हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। मैं शालिनी आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं कोशिश करती हूं कि आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर पेंटिंग बना सकूं और सीखने में आपकी मदद कर सकूं। तो इस श्रृंखला में आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है शकुंतला की पेंटिंग, शकुंतला हिरण के साथ। आप इसे ध्यान से देखें और मेरे साथ ही बनाने की कोशिश करें। आज इस पेंटिंग में फिर से मैं पहले सेंटर में जो हमने टॉपिक चुना है उस पर पेंटिंग कंप्लीट करूंगी और ये वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद मैं बाहर बॉर्डर का वर्क करूंगी। इसीलिए मैंने बॉर्डर की आउटलाइनिंग कर ली है और उसके बाद अंदर फिगर बनाना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शकुंतला ऋषि पुत्री थी और इस कारण से ये वन में रहती थी। तो इनका जो हम ड्रेस बनाएंगे वो उस समय की जो लेडीज़ जैसे ड्रेस पहनती थी, जैसे ऋषियों की फैमिली के लोग जैसे ड्रेसेस पहनते थे, सेम टू सेम उसी टाइप का ड्रेस भी हम बनाएंगे। और पहले जो हमारा जीवन था, जब हम जंगलों में रहते थे या हम कहें कि हम प्रकृति के बहुत करीब रहते थे, तो प्रकृति से हमारी बहुत ज़्यादा, प्राकृतिक चीज़ों से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव था, प्रकृति से हमारा बहुत ज़्यादा लगाव था, वो कहीं ना कहीं इस पेंटिंग में हमें देखने को मिलेगा, जिसमें शकुंतला एक हिरण को पकड़कर और एकदम उसके चेहरे के सामने उसकी आँखों में देख रही है और ये लग रहा है देखने से कि दोनों आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वो भी बिना भाषा का इस्तेमाल किए। फ्रेंड्स, इसमें भी जो मैं डबल लाइनिंग कर रही हूँ फिगर में, हर लाइन के साथ जो मैं एक और पैरेलल लाइन खींच रही हूँ, उसमें मैं अपनी पिछली पेंटिंग की ही तरह उस डबल लाइनिंग के बीच में कचनी का वर्क करूँगी, जिससे कि वो डीप भी लगेगी और एक बड़ा ही रिच सा लुक भी आ जाता है पेंटिंग में। तो आज फिर दोबारा मैं उसी शैली में जो हमारी जो डबल लाइनिंग है उसके बीच में कचनी का वर्क भी करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो चुका है। इसमें हमने शकुंतला ड्रॉ की है जो एक हिरण के बच्चे को पकड़कर उसके सामने बैठकर उसे निहार रही है, जिसमें लग रहा है कि ये दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे हैं बिना जबान का या भाषा का इस्तेमाल किए हुए। अब जैसा कि हम जानते हैं, हमने इस बारे में पहले ही बात की है कि शकुंतला ऋषि पुत्री थी और वो वन में रहती थी, जो ऋषि विश्वामित्र और मेनिका जो कि एक अप्सरा थी उनकी पुत्री थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हमारी पौराणिक जो कहानियाँ हमें मिलती है उसमें इनके जीवन से संबंधित कहानियाँ भी हमें मिलती है पढ़ने को और इनके बारे में जानने को भी हमें मिलता है। तो हम जो ये अभी ऑर्नामेंट्स इनको पहने हुए दिखाएंगे, इसमें हम कोई भी गोल्डन ऑर्नामेंट टाइप का या कोई भी जेवर नहीं दिखा रहे। हम जो भी कुछ ड्रॉ करेंगे एज एन ऑर्नामेंट तो उसे हम फूलों का बनाएंगे, यानी वो जो भी कुछ पहनती थी साज सज्जा के लिए वो सारी चीज़ें फूलों की होती थी, फूलों से बनी मालाएं होती थी, फूलों के ही हाथों पर जो है हम बाजूबंद कहते हैं या जो भी हम उसको नाम दें अपनी भाषा और अपने प्रदेश के अनुकूल, तो वो सारा कुछ जो भी सजने के लिए जेवर पहने जाते हैं वो सारे जेवरात इनके जो होते थे वो फूलों के ही बने होते थे।
फ्रेंड्स, तो अब ब्लैक कलर का वर्क हमारा अंदर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो ऊपर पत्ते बना रही हूँ उसमें एक पत्ते को मैं कचनी कर रही हूँ और एक को छोड़ रही हूँ, जिसमें मैं बाद में कलरिंग का वर्क करूँगी। और अब हम अपना बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे। बॉर्डर में मैंने एकदम सिंपल सा बॉर्डर बनाया है। इसमें हमने पहले कुछ कुछ दूरी पर डबल लाइनिंग्स, पैरेलल लाइनिंग्स खींच के छोटे छोटे बॉक्स बना ली हैं और फिर इन बॉक्स में एक बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बना के हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। बॉर्डर कंप्लीट हो जाने के बाद, बॉर्डर में ब्लैक कलर का वर्क कंप्लीट हो जाने के बाद, फिर हम इसमें कलर का वर्क स्टार्ट कर देंगे। अब हमारा बॉर्डर का ब्लैक कलर का वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो हम पोस्टर के अंदर कलरिंग का वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं शकुंतला की बॉडी में स्किन कलर भर रही हूँ। ये डोम्स का पोस्टर कलर है और इसे मैं स्किन में पहले कलर कर रही हूँ और उसके बाद फिर हम शकुंतला के कपड़ों में और हिरन में कलर करेंगे। हिरन हम सब जानते हैं थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है, तो मैंने इसमें लाइट ब्राउन कलर जो है उस शेड से कलर किया है। और शकुंतला के ड्रेस में हम ऑरेंज कलर का यूज़ करेंगे, लाइट पिंक कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि इनके जो कपड़े होते थे वो ज़्यादातर लाइट कलर के होते थे या फिर गेरुआ कलर के होते थे। तो जो ऋषि थे वो खुद भी गेरुआ कलर का ड्रेस पहनते थे और उनकी फैमिली के लोग भी गेरुआ कलर का ड्रेस पहनना ही प्रेफर करते थे, तो हमने यहाँ पर उसकी जगह ऑरेंज कलर का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, यहाँ अब हमारे पोस्टर के अंदर का जो कलर का वर्क था वो लगभग कंप्लीट होने को है। अब कुछ फूल हैं जिनको मैं कलर कर रही हूँ और उसके बाद हमारा सेंटर पार्ट जो है उसमें कलरिंग का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बैकग्राउंड की फिलिंग के लिए हम लोग कलर से उसमें डॉट्स बनाएंगे, भरनी का वर्क नहीं करेंगे, डॉट्स बनाएंगे, जिससे कि फिगर और जो भी कुछ हमने इसमें बनाया है, पेड़, पत्ते, डालियाँ, फूल, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से अलग अलग और एकदम साफ साफ दिखाई देने लगेंगी। अब मैंने बॉर्डर में वर्क करना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसमें ब्लैक कलर से हल्का सा कचनी और भरनी का वर्क कंप्लीट करूँगी और फिर हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा।
फ्रेंड्स, अब मैं अपने पोस्टर के बैकग्राउंड को छोटे छोटे डॉट्स से टोटली फिल कर दूंगी और उसके बाद हमारा ये पोस्टर फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप किसी टॉपिक पर मेरी पेंटिंग देखना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे खुशी होगी उस टॉपिक पे ड्राइंग बनाने में। आई होप कि आपने मेरी ये पेंटिंग पसंद की है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। एंड ऑल्सो, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।